यस स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, कल हमने सिंपल कैश बुक के बारे में चर्चा की थी कि सिंपल कैश बुक क्या है और कैसे बनाई जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। आज हम सिंपल कैश बुक पर बेस एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सिंपल कैश बुक का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बुक के अंदर दे रखा है पेज 10.37 के ऊपर, ये इसका फॉर्मेट है। इसमें ये आपका डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट क्रेडिट, ये आपके दो कॉलम हो गए इसके अंदर, जिसमें यहां पर पैसा आएगा यानी अगर कैश बढ़ता है इस तरह, कैश घटता है इस तरह। इसमें हम नॉर्मली डेबिट कार्ड का यूज करेंगे, इसलिए देखते हैं पैसा आ रहा है जा रहा है, अगर कैश बढ़ रहा है इस तरह, कैश घट रहा है इस तरह, और जिसमें ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, यानी जो उधार की एंट्री है या अदर एंट्री है, उन्हें हम नोट डाले उसके नीचे मेंशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला बताया जनवरी 1, दीपेंद्र स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 2 लाख, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में पैसा आया, तो डेट जनवरी 1 बिजनेस स्टार्ट करने को अकाउंट्स की भाषा में आप जानते हैं हम कैपिटल कहते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में पैसा आया आपके पास में 2 लाख रुपए, तो ये आ गया आपके 2 लाख, तो 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट हुआ, ये आ गया 2 कैपिटल अकाउंट आपका 2 लाख रुपए। नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा, पैसा गया तारीख जनवरी की 2 तारीख के अंदर, पैसा जाता इस तरफ है और ये हो गया बाई फर्नीचर। फर्नीचर कितना खरीदा आपने, फर्नीचर खरीदा आपने 50,000, तो ये आपके पास से 50,000 रुपए का कैश गया। इसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, 30,000 रुपए का माल खरीदा, ध्यान रखे चलना, अगर आप माल खरीदते हैं उसको परचेज कहते हैं, और अगर आपने कुछ और खरीदा है तो जो चीज आपने खरीदी है उसका क्वेश्चन में नाम मेंशन किया जाएगा। तो जनवरी की 2 तारीख के अंदर फर्नीचर खरीदा, जनवरी 3 में आपने माल खरीदा 30,000 रुपए का, तो जनवरी की 3 तारीख में आपने माल खरीदा, माल खरीदने को हमने कहा बाई परचेज अकाउंट, और माल खरीदा आपने 30,000। आई थिंक कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट फिर पेड फ्राइट, फ्राइट पे करी आपने 500 रुपए, फ्राइट पे की पैसा गया इधर से गया, तो तारीख जनवरी की 5 और ये आ गया आपका बाई फ्राइट अकाउंट, ये आपने 500 रुपए क्वेश्चन में पेड कर दिए। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000, 28,000 रुपए का नगद माल बेचा, पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में 28,000, और माल बेचा तो माल बेचने का अकाउंट की भाषा में कहते हैं टू सेल्स, या आ गया सेल्स अकाउंट, तारीख जनवरी की 7। उसके बाद जनवरी 10 तारीख को पेड टू रमेश, रमेश को 20,000 रुपए दिए, तो रमेश को पैसे दिए तो पैसा गया 20,000, और किस कारण से पैसा गया कि हमने पैसा रमेश को पे किया है, तो यहां पर आ जाएगा बाई रमेश अकाउंट, और तारीख आएगी जनवरी की 10। नेक्स्ट जनवरी 15 ने बताया सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, 10,000 रुपए का फिर माल बेचा पैसा आया तो ये आ गया आपका 10,000, और इसको हमने कह दिया टू सेल्स अकाउंट, तारीख आ गई जनवरी की 10। फिर जनवरी की 15 तारीख फिर 20 तारीख को वेजिस पे करी 10,000, वेजिस पे करी पैसा गया 10,000, और यहां पर आएगा बाई
वेजिस अकाउंट और डेट क्वेश्चन में दे रखी है इन्होंने जनवरी की 20 तारीख। जनवरी की 20 तारीख, फिर 25 तारीख को परचेस गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा है, उधार की एंट्री क्वेश्चन में शो नहीं की जाती है। तो जो एंट्री क्वेश्चन में शो नहीं होगी याद रखना, जिस एंट्री के लिए कैश बुक में कहीं जगह नहीं है उसके लिए कैश बुक के नीचे डलता है नोट। तारीख जनवरी 25, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, इट्स क्रेडिट एंट्री नॉट रिकॉर्डेड, उधार की एंट्री है इसलिए क्वेश्चन में जो है ये रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। फिर जनवरी की 31 तारीख, जनवरी 31 से बताया पेड रेंट बाय चेक, चेक से रेंट पे किया, जब चेक से रेंट पे करोगे तो आपका बैंक कब होगा इसके अंदर। और क्वेश्चन में जो बना रहे हैं आप बना रहे हैं सिंगल कॉलम जिसको आप कहते हैं सिंपल कैश बुक, तो क्योंकि ये ट्रांजेक्शन जो है कैश की बजाय बैंक पे इफेक्ट डाल दिए इसलिए इस ट्रांजेक्शन को इसमें कोई जगह नहीं मिलेगी। तो तारीख जनवरी 31, रेंट पेड बाय चेक नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जितने ट्रांजेक्शन आपकी नॉन कैश है जो कि ऊपर नहीं शो की गई है उन्हें हमने अलग शो कर दिया। अब इस कैश बुक की क्लोजिंग की जाती है, क्लोजिंग का मतलब कैश बुक को एंड किया जाता है, ये देखा जाता है अब हमारे पास क्या स्थिति है। ये अगर आपसे पूछे कैश बुक क्या कह रही है, इसका मतलब ये है कि जनवरी के महीने के अंदर आपके पास ये पैसा आया था और इतना पैसा आपने खर्च कर दिया, एंड में आपको ये पता लगेगा क्या पैसा आपके पास में जो है अब बचा हुआ है। तो आपके पास 2 लाख रुपये आए, 28 ये 10 ये सबको जोड़ लिया, जोड़कर टोटल करके जो आया इसका ये रफ है, टोटल करके आया 2,38,000। इसके बाद में ये पैसा आपने पे किया 50, 30, 80, 20, 1,10,000, 1,10,500। टोटल इस साइड का जो आया वो आया 1,10,500 एज यूजुअल, जैसा आप लेजर क्लोज कर दें ज्यादा में से कम माइनस कर देंगे तो 238 और 1,10,500 माइनस हुए तो 527,500 रुपीज। इसको आप वहां दिखाओगे जहां पर कि जो टोटल है आपका टोटल कम है, जहां आपका बैलेंस कम है उस साइड में इसको शो किया जाएगा। डेबिट साइड में टोटल 238 है, क्रेडिट साइड टोटल 1,10,500 रुपीज है, तो 1,27,500 कहां बचे क्रेडिट साइड के अंदर, तो क्रेडिट साइड में इसको आप दिखाओगे 1,27,000 रुपीज 500, टोटल दोनों तरफ सेम हो गया 2,38,000 जो बड़ा टोटल है उसे दोनों साइड के अंदर शो किया 238। यहां पर आएगी महीने की लास्ट तारीख जनवरी 31 और ये कह रहा था आपका बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी कैरिड डाउन, यानी कि महीने के आखिर में ये बैलेंस जो आपके पास बचा है तो ये कहलाएगा बाई बैलेंस सी डी। और सी डी की फुल फॉर्म होती है आपकी कैरिड डाउन, यानी कि महीने के एंड में आपके पास ये जो बैलेंस है ये बैलेंस बचा है, दैट मीन्स जो कैश बुक शो करती है ये पैसा आपके पास में आया, इतना पैसा आपने खर्च किया और जनवरी के 31 के बाद ये पैसा आपके पास बचा हुआ, दैट मीन्स अगर आप कैश चेक करें
तो इतना कैश आपके पास में होना चाहिए 127,500 रुपीस। ये आपकी कैश बुक है, आपकी सिंपल कैश बुक। आई थिंक कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कल हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपका डबल कॉलम कैश बुक। आज की क्लास ओवर होती है। ओके, थैंक यू।